आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दाव देखने को मिला है, बीएसपी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। जी हाँ, ये बड़ी खबर, अयोध्या से होगा ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज। सम्मेलन की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक सम्मेलन चलेगा। 23 से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में सम्मेलन होंगे। ऐसे में अब ब्राह्मण कार्ड खेलने की बारी अब बसपा की आ चुकी है, और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से एक बड़ा दाव यहां पर खेला गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज करेंगी, और ऐसे में आपको ये जानकारी दे कि आखिर किस तारीख से लेकर कब तक ये ब्राह्मण सम्मेलन चलने वाला है। तो आपको बता दें कि ब्राह्मण सम्मेलन जो है वो 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा और 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ये सम्मेलन जो है होंगे, लेकिन शुरुआत इसकी अयोध्या से होगी। तो ये एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इनको कितना फायदा होगा ये ब्राह्मण कार्ड खेलने से। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी बने हुए हैं। खुर्रम, हर एक राजनीतिक पार्टी खास तौर पर जातिगत समीकरण को लेकर लगातार अपनी बातचीत करती रहती है अपने संगठन से, अपनी पार्टी से, लेकिन ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब ये ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है तो क्या लगता है इस दाव का, क्या आने वाले वक्त में बसपा को कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, तो वक्त ही बताएगा जो बसपा ब्राह्मण कार्ड खेलने जा रही है 26 तारीख से, वो उसका कितना फायदा मिलता है या नुकसान होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये संकेत करता है कि मायावती या बहुजन समाज पार्टी दोनों ने अपनी जो तरीका है चुनाव लड़ने का उसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया है। अभी भी वोट बैंक पाने के लिए वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। मसलन ब्राह्मण वोट बैंक है, दलित वोट बैंक जो उसको मांग के चलते हमारा अपना, और इन्हीं पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मायावती को ये भरोसा है कि अगर ब्राह्मण उनके साथ आ जाते हैं और दलित वोट बैंक उनके साथ ही है तो 2022 में उनको सत्ता वापसी में कोई रोक नहीं सकता है। अब ऐसी उनको उम्मीद क्यों है? आप 2012 की बात करिए, 2017 की बात कर लीजिए, या 2000 या उससे पहले तीन चुनाव की बात कर लीजिए, तो तीनों चुनाव में ब्राह्मण ने बहुत अहम रोल अदा किया है। चाहे वो मायावती की मुख्यमंत्री बनने की बात हो, चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने की बात हो, या फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने की बात हो, इन तीनों में ब्राह्मण वोट बैंक ने बहुत खास रोल अहम अदा किया है। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वोट बैंक इतना बड़ा वोट बैंक है कि अगर वो आपके साथ आ जाता है तो आप सरकार बना ही लेंगे, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक एक इन्फ्लुएंसर वोट बैंक के तौर पर जाना चाहता है कि अगर एक ब्राह्मण आएगा तो अपने साथ चार अलग वोट बैंक को भी लेकर आएगा। तो यानी कि एक ऐसी कोशिश जुट गई है मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा को इसी में लगाया गया। अब देखना यह है 26 तारीख को अयोध्या का क्या माहौल होता है और वहां से मैसेज क्या दिया जाता है, क्योंकि अतीत याद नहीं, अतीत लोग भूले नहीं हैं और भविष्य का सब देख रहे हैं। अब देखना ऐसा है कि आप बहुजन समाज पार्टी के इस कदम से, मायावती के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन आता है, और साथ ही देखने वाली ये बात भी होगा कि अन रीजनल पार्टी जो है, चाहे वो आपकी समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो क्यों करता है। कांग्रेस का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि कांग्रेस भी ब्राह्मण वोट बैंक खेलने के मूड में है। तो क्या कांग्रेस से पहले मायावती ने ये चाल चल दी है, तो ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, इसी भी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ अबुल बसर जुड़े हुए हैं। अबुल, अगर हम बात करें तो अयोध्या से इसकी शुरुआत होने वाली है, 23 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी जब इसका ऐलान कर दिया गया है कि ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज होगा, फिलहाल वर्तमान में वहां पर क्या तैयारियां चल रही, क्या हलचल देखने को मिल रही है अयोध्या में? देखिए, इसकी शुरुआत 23 से 29 तारीख तक चलेगी और शुरुआत 23 तारीख से होगा, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी है उसके जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो लगातार अब एक्टिव हो गए हैं। और चूंकि जो शुरुआत है वो मंदिरों में दर्शन को लेकर है और उसके बाद इस कार्यक्रम की पूरी तरीके से शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत के लिए सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचेंगे, और इस लिहाज से जो जिले के जो ब्राह्मण नेता हैं, जो ब्राह्मण चेहरे हैं, उनको एक्टिव मोड में डाल दिया गया है। ये सभी लोग लगातार साधुओं से संपर्क में आ गए हैं, और चूंकि जो बीएसपी है वो इस बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश में है, और इसी के लिए ये ब्राह्मण सम्मेलन एक तरीके से शुरुआत की जा रही है। चूंकि 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है, सभी पार्टियां
लगातार संघर्ष कर रही हैं कि किस तरीके से ये मिशन 2022 को जीता जाए और मिशन 2022 सक्सेस किया जाए। इसी लिहाज से बीएसपी भी इस मैदान में कूद पड़ी है और वो इस बार दलित और ब्राह्मण वोट के सहारे सोशल इंजीनियरिंग के तहत इस बार भी वो इस फार्मूले के तहत शुरू कर रही है और इसके लिए अयोध्या चुना गया है। चूंकि अयोध्या हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, राजनीतिक अखाड़ा बना है लोगों के लिए, तो इसलिए इस लिहाज से जो अयोध्या जिला है वो बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है और यहीं से बीएसपी भी यहीं से शुरुआत कर रही है ब्राह्मण सम्मेलन की। मंदिरों में साधुओं से लगातार संपर्क जुटाने की कोशिश हो गई है और ये माना जा रहा है कि बहुत बहुत जल्द बीजेपी एक जो ब्राह्मण चेहरे हैं उनको अयोध्या में उतार देगी। उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या से शुरू होकर 6 जिलों में पहुंचेगी, उसके बाद पूरे प्रदेश में। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे आगे।